वैसे हम इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट 200 से ज्यादा बीमारी का बिना सर्जरी के इलाज करते हैं, पर आज मैं आपको 5 ऐसी बीमारी के बारे में बताऊंगा जो कॉमनली हम अक्सर पाई जाती है। 5वां जरूर याद रखी गया स्पेशली महिलाओं के लिए। सो फर्स्ट इज वराइकोज वेन, यानी पैर की नसों को फूल जाना। इसका हम लोग इलाज लेजर या ग्लू टेक्निक एंड स्क्लेरल थेरेपी की मदद से बिना सर्जरी के हम लोग करते हैं। सेकंड थिंग पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज, यानी पैर में खून की नसों का ब्लॉकेज, जिसके कारण पैर में कालापन आना, डायबिटिक फूड का अल्सर हील ना होना, ये सब प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो इसको हम लोग एंजियोप्लास्टी स्टेंटिंग की मदद से ठीक कर सकते हैं। तीसरा है थायराइड में गठन होना, गॉइटर होना, नॉन कैंसरस जो गठन होती है उसका हम लोग बिना सर्जरी के हम लोग उसको श्रिंक कर सकते हैं, आइदर एम्बोलाइजेशन और माइक्रो एब्लेशन और आरएफ एब्लेशन की मदद से। चौथा है प्रोस्टेट की ग्रंथि का एनलार्जमेंट होना या बीपीएच, जो ओल्ड एज में देखा जाता है, तो इसमें भी हम लोग एम्बोलाइजेशन टेक्निक की मदद से एंजियोग्राफी करके प्रोस्टेट का ब्लड सप्लाई ब्लॉक करके उसको श्रिंक कर सकते हैं। और पांचवा यानी यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन फॉर यूट्राइन फाइब्रॉइड, जिसमें हम लोग फाइब्रॉइड का ब्लड सप्लाई ब्लॉक करके फाइब्रॉइड को श्रिंक कर सकते हैं बिना कोई सर्जरी चीरफाड़ किए हुए। थैंक यू।